I am going to teach you about the kingdom protista. In kingdom protista, it includes chrysophyta, dinoflagellates, euglenoid, slime molds, and protozoans. In some book, it is written as algal-like organisms like chrysophyta, dinoflagellates, and euglenoid, and fungus like slime molds and animal like protozoans. So I teach you about the euglenoid and protozoans. Euglenoid, its characteristic is कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम euglenoid में रखते हैं. So ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी characteristic they live in aquatic water or in stagnant water. इसमें water में for catching the animals, जो animals को भी पकड़ने के लिए
अपना जो खाना है उसको ले सकते हैं और लेके सरफेस से अंदर कर लेते हैं और दैट मटेरियल फिर इनक्लोज हो जाता है विद इन द वेसिकल और फिर ये अंदर आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। देन आफ्टर दिस इट इज पोर्ड इन फ्रेश वाटर एंड द सॉइल देन द मॉइस्ट सॉइल और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस। देन फोर्थ इज द पैरासाइट्स। ये क्या हो जाते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स भी होते हैं पैरासाइट्स मींस दूसरी की बॉडी में रहना जैसे एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जिसके थ्रू जो है डायरिया होती है बॉडी में तो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इट इज द पैरासाइट्स। नेक्स्ट थिंग इज फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड कैसे होंगे व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लैजिला। ये फ्री लिविंग होते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिला एंड इससे एक वेरी सीरियस डिजीज होती है व्हिच इज नोन एज द स्लीपिंग सिकनेस और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ट्रिपैनोसोमा। देन आफ्टर दिस सीरिएटेड। Amoeba, flagellated, its example is